This is the Baleno Delta variant, the most sold variant in the country, और एक्चुअली सबसे वैल्यू फॉर मनी. जगह ज़्यादा है पहले की तरह, आर्मरेस्ट इसमें नहीं है जो चाहिए था, रियर वेंट इसमें नहीं है. आई होप टॉप मॉडल में हो, हम अभी ड्राइव लेने लगे. लुक्स तो आपने सामने देख ही लिया, आगे से मेरे को अभी भी पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई उतनी, बट दैट्स ओके, लुक्स आर सब्जेक्टिव. बेसिक चीज़ें सारी हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि टच स्क्रीन में डाला गया, बिकॉज टच पहले नहीं था. ये चीज़ बड़ी मज़ेदार कर दी है इन्होंने, सेडान लेवल टाइप्स. एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस इज मच बेटर देन i20 की लुक्स, बिकॉज i20 के जो डायल्स है ना, फील्स मोर प्लास्टिकी. इसका क्योंकि मेटल टच, जो क्रोम टच है, वो ज़्यादा बेटर लगता. फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे टच स्क्रीन एडिड है, ये एडिड है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटो डिमर नहीं है. वैनिटी मिरर इधर है, वो पहले भी था. सर मुझे एक बार बता दो, इसकी टच स्क्रीन में क्या क्या है, क्या नहीं है? ये पहले टॉप मॉडल में आता था. हाँ ठीक है, इसमें आपको एप्पल कार प्ले मिल जाएगा. क्या बात है, क्या बात है. तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले है, बट वायरलेस नहीं है, वायर्ड है, तार वाला. और टॉप मॉडल में उसमें भी तार वाला, बट वायरलेस नहीं है, बट फिर भी है डेल्टा में. क्या बात है, मैं समझ गया. और इसमें क्या नाम है, ट्विटर्स वगैरह नहीं है ना? चार स्पीकर बट ट्विटर्स नहीं है, बट गुड गुड, ठीक है, परफेक्ट. हाँ वो तो मुझे पता, वो तो पहले भी डेल्टा में था ना. मोबाइल के एंट्री कंट्रोल है इसमें, ठीक है, मोबाइल कंट्रोल है, चारों पावर विंडो है, साइड मिरर इलेक्ट्रिकली. बट वो सब पिछले डेल्टा में भी था ना, एक ये फीचर एडेड है जो उन्होंने अब स्क्रीन दे दी. समझ गया. तो ये सबसे अच्छी बात है कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले मिल जाएगा, जो आज की डेट में बहुत मस्त है. जस्ट लाइक द ओल्ड डेल्टा, बाहर से लुक बहुत सुंदर है, बट ये जलता नहीं है. दिस इज नॉट अ डीआरएल, दिस इज अ प्रोजेक्टर. इसकी दूर से वाइट लाइट आती है, सो दूर से लगेगा कि हाँ जी अमीर कार है आपकी. और इसमें ये डीआरएल्स हैं, ये डीआरएल्स हैं और ये प्रोजेक्टर है, सो इट्स प्रोजेक्टर प्लस डीआरएल. एंड दिस इज बिकॉज देयर इज नॉट अ फॉग लैंप, आई होप दिस इज जेटा, एंड आई थिंक दिस इज द अल्फा. Yep, this is the Alpha. So this has DRL plus fog lamp. तब तक हम चलो उसको अंदर से देख लेते हैं. पुश स्टार्ट, इस जेटा में भी पुश स्टार्ट है. तो आई थिंक ये तो पुराने जेटा अल्फा वाले फीचर सेम है. खुलवाना है अर्शिस को. सो दैट्स डेल्टा, दैट्स जीटा, दैट्स अल्फा. तो इनके अंदर देखने में क्या फ़र्क है, इसमें अलॉयज डायमंड कट है, इसके टिंटेड ग्लास है, इसके शायद नहीं है. Everything else seems same, alloys के अलावा. पीछे वाइपर इसमें भी है, इसमें भी है, आई होप उसमें भी होगा. नहीं डेल्टा में नहीं है, डेल्टा में रियर डिफॉगर है. लेट्स चेक द अल्फा वन. चलो जी उधर से घुसता हूँ. ब्लैक ग्लॉस प्लास्टिक इसमें भी है. सो पुश स्टार्ट इसमें डेल्टा वाला ही शायद नहीं, इनका डायल में थोड़ा डिफरेंस है. तो इन्होंने पुरानी अल्फा वाला इसमें डाला, वो पहले भी था. इसमें टच स्क्रीन डेल्टा वाली ही है, विच इज़ अ स्मॉलर वन. ऑटो डिमर इसमें नहीं है, आई थिंक पहले वाली जीटा में था. एंड आर्मरेस्ट इसमें नहीं है. ओके नाउ द फुली लोडेड वन, ग्रेट. ब्लैक ग्लॉस वन, ऑटो डिमिंग मिरर, वैनिटी मिरर्स हैं बट लाइट अंदर है, ठीक है, परफेक्ट. इसमें भी लाइट है, परफेक्ट. सो दिस स्क्रीन इज मच बिगर, डायल्स आर सेम. डेल्टा में आई थिंक ये वाला डायल नहीं है ना, उसमें थोड़ा बेसिक है, ठीक है. सो डेल्टा में जो सेंटर वाली MMI है वो उतनी नहीं है. This is 360 degree camera. क्या बात है, सारा इसमें वो दिखेगा आपको. वो HUD है, कितनी स्पीड पे चल रही है, कितनी माइलेज दे रही है, सारा ये सिर्फ आप ही को दिखेगा. ड्राइवर साइड पे कोई नहीं. एक मिनट HUD डाउन करके दोबारा आप करना. आई थिंक ये इससे ऊपर वाली सिर्फ सेल्टॉस में आता है.
सेल्टोस के भी टॉप एंड मॉडल है। हाँ, वो भी जो 20 लाख वाला है। दिस इज अ नाइस फीचर। मारुति वाज क्विक टू रिस्पॉन्ड। दिस इज द कार वी आर गोइंग टू बी ड्राइविंग। फ्रंट की लुक्स थोड़ी सी इसकी अजीब सी है, जैसे सड़ियल सा बंदा नहीं होता कोई, आकड़ू खान वैसे की लग रही है। बट अदरवाइज द कार इज सेक्सी एंड इट्स लाइक लिटरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक। चलो चला के देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल ड्राइव। हर्ष, आपका नाम सर? सर, सो ये गाड़ी 44,000 महंगी है बिकॉज ऑफ दिस बिग स्क्रीन विच इज़ वेरी फ्लुएंट, बहुत हाई लेवल, दिस HUD एंड ऑल दिस लेआउट जो लास्ट मैंने सिर्फ सेल्टोस में देखा है। तो ये सारी चीजें बलिनो दे रही है विच इज अ वेरी बिग थिंग। एक सेकेंड, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल पहले था नहीं अल्फा में, क्या बात। अच्छा, सो दैट्स हाउ इट्स लुकिंग, जस्ट लाइक द R15 हेड अप डिस्प्ले। हाँ, दिस 360 डिग्री कैमरा। I20 में तो नहीं है 360 डिग्री कैमरा ना। जैसे मैंने आपको अंदर गाड़ी में दिखाया, इसके अंदर और भी बथेरे ही फीचर्स हैं। एक सेकंड, इसका आराम से अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बाद में किसी और की देख लेना। बट इट्स लिटरली वेरी हाई क्लास। जैसे आप बड़ी गाड़ियों में जैसे टच स्क्रीन आती है वैसे का एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट वेरी देसी सा। और यही फर्क है इस टच स्क्रीन और पुरानी में। पुरानी में उसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसमें भी है, पुरानी कह रहा हूँ मैं, डेल्टा वाली में, कि प्रो प्लस। दिस इज प्रो प्लस। प्रो प्लस ये टच स्क्रीन का नाम है। प्रो प्लस क्या हुआ? विद HID क्वालिटी। विद HID, HID क्वालिटी मतलब ये जैसे पानी पानी की तरह क्लीन। अच्छा ठीक है। सो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी दैट दे हैव क्रिएटेड, बट पॉइंट इज इट्स वेरी फ्लुएंट, वेरी फास्ट, बड़ा अच्छा इसका टच रिस्पॉन्स है। इंजन आल्सो चेंज इन दिस। क्या फर्क है इंजन में? ड्यूल VBT इंजन आ गया, ड्यूल जेट। सो आई थिंक इन्होंने स्विफ्ट के टाइम पे एक इंजन में अपग्रेड करा था जिसकी BHP थोड़ी ज्यादा थी, विच वाज मोर एफिशिएंट, जिसके अंदर इन्होंने हाइब्रिड ऑटो स्टार्ट स्टॉप डाल दिया था। वो चीज उन्होंने बलिनो में नहीं डाली थी। सो बलिनो में आपको नॉर्मल IVTEC मिलता था, बट सॉरी IVTEC कह रहा हूँ, नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता था, बट तब भी ड्यूल जेट बलिनो में भी आने लग गई थी। बट इसमें अब वो माइक्रो सिस्टम दे दिया ना, आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट। अच्छा, सो इट्स अ थर्ड ट्यून ऑफ द ओल्डर 1.2, और हमेशा से 1.2 ये बहुत अच्छा था। और बलिनो ऐसी कार है जिसके अंदर आपको डीजल लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें एवरेज भी ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। क्या बात है, कितनी अराउंड? 22.76, पहले कर रहे थे 21.1। क्या बात, वही जैसे हमने स्विफ्ट में देखा चेंज एक इंजन में, जो बहुत ही सटल है, नॉर्मल लोगों को इतना पता नहीं लगेगा। सामने वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं इसके, जो DRL डॉटेड DRL है, बहुत सुंदर लग रहा है। सो रात को भी बहुत आराम से इसका पता लगेगा। सेकंड थिंग कि लोग कहते हैं कि हल्की है, दैट्स ऑल ओके, सब कुछ ठीक है, बट 50 kg के अराउंड अप्रॉक्स इसका वेट भी बढ़ गया, बिकॉज जो इसमें आयरन यूज हुआ है वो बहुत फार बेटर क्वालिटी का यूज। सो सबके क्रिटिसिज्म का ये हल हो गया कि जहां आज से 3-4 साल पहले हर कंपनी क्लेम करती थी और आज भी करती है BMW टाइप की, हमने 100 kg वेट कम करा या 200 kg वेट कम करा एल्यूमिनियम यूज करके, तो जब मारुति ने वो करा उसको बैकलैश आ गया। तो अब द न्यू थिंग इज कि हमने इसको भारी कर दिया, विच इज अ गुड थिंग। बट हमेशा से ही बलिनो एक ड्राइवर डिलाइट कार रही है। एंड सेफ्टी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें 6 एयरबैग्स ऐड ऑन कर दिए। इसमें 6 एयरबैग्स हैं? यस। अरे 44,000 में बहुत कुछ दे दिया फिर। हां जी, हां जी, तो टोटली बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो एज ऑलवेज सस्पेंशन रेड एंड प्लस रियर एसी वेंट हुआ है इसमें। अच्छा, वो पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। और रियर एसी वेंट के साथ आपको मोबाइल चार्जर की 2 पोर्ट दिए हैं, एक टाइप सी एक टाइप है। क्या, दैट्स रियली गुड। सो अभी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, हम इसको लॉन्च करते हैं थोड़ा सा 3 लोगों के साथ। एसी ऑन है, मैं एसी ऑफ नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली हम एसी ऑफ नहीं करते। दिस वाज गुड एज ऑलवेज, इट्स वेरी पेपी। ये ऐसा पेट्रोल इंजन है जिसको आपको टर्बो देने की जरूरत नहीं है,
जिसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बड़ा मजेदार है। और बलिनो ऐसी गाड़ी जिसमें डीजल की दूर दूर तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं? सच फन टू ड्राइव कार, स्टीयरिंग कितना मजेदार, कहीं से भी ले जाओ। एक ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, द रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक गुड वीडियोस इज बिकॉज मेरे को अपनी गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी अच्छी कम लगती है, तो एक मैंने गलती कर दी सेकंड हैंड ऑडी लेके। बट बलिनो का सारे लोग बहुत पूछ रहे थे और मारुति हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट दिस आउट, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी किलर थिंग। इन्होंने बहुत अच्छा करा कि सबसे ज्यादा बिकने वाली कार को अपने लेवल पे वर्थ इट रखा, बिकॉज लोग कहने लगे थे बलिनो शायद आउटडेटेड है, अभी बलिनो मत लो, दूसरी ले लो, या i20 ज्यादा आगे निकलने की ट्राई कर रही थी, बट आई थिंक बलिनो के नंबर्स पहले से भी बढ़ जाएंगे। एक होता है कि यार आपने जैसे रॉयल एनफील्ड का, तो उन्होंने क्लासिक अपडेट कराया, अभी उसकी चेसिस अपडेट करी है, इंजन अपडेट करा, सब कुछ करा है, तो जब किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा होता है ऑलरेडी, तो उनको ज्यादा चेंज करने से भी डर लगता है कि ये ना हो कि हम कुछ गड़बड़ कर देंगे, चलनी बंद हो जाए। तो एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट को अपडेट करना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बिकॉज आपको उसके अंदर सब कुछ रिटेन करना है और फिर भी उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस करना है कि कोई चेंज ऐसा ना हो कि लोग बोले यार ये तो गड़बड़ी कर दी इन्होंने। जैसे कभी कभी गाड़ियां एक नया फेसलिफ्ट ऐसा निकालती है कि उनको सुंदर लगना बंद हो जाता है। तो बट इन्होंने सब कुछ बहुत ही प्यार से करा है एंड एवरीथिंग इज, कंपनी ने इसका जो डिजाइन है वो चेंज नहीं किया, इसका जो फिलोसफी है डिजाइन की लिक्विड फ्लो डिजाइन है वो नहीं छोड़ा इसका गाड़ी का, इसीलिए गाड़ी अभी भी पहले से ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, और ज्यादा बिकेगी भी। और ये जो फीचर्स इन्होंने, बिकॉज मारुति इज नॉट नोन फॉर फीचर्स, बट इन्होंने ये एक एक्सयूवी 700 खेल लिया विद गिविंग एचयूडी विद गिविंग 360 डिग्री कैमरा, बिकॉज इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव कि एक्चुअली हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा चाहिए भी या नहीं चाहिए। टेक्निकली वॉल्सवैगन के शोरूम में जाओ, पोलो आप बंद कर रहे हैं वो, तो जब पोलो से पूछा यार कि इसके टॉप मॉडल में भी कैमरा क्यों नहीं आता, तो वो कहता है कि हमारी कंपनी की फिलॉसफी है कि हैचबैक में कैमरा चाहिए ही नहीं, वेयर एज इट शुड बी ऑलवेज कि जो कस्टमर को चाहिए दे दो। तो अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अर्षा मेरे साथ उसकी क्रूज है, तो हम पता करने गए थे कि उस पर अगर कैमरा हमने ओईएम फिटिंग लगवानी है तो क्या करना, तो वहां पे कोई बंदा अपनी सैलरियों में 360 डिग्री कैमरा पूछ रहा था, तो मैं हंस भी रहा था, बट आई एम थिंकिंग कि आजकल कस्टमर मांगते हैं सारी चीजें। एंड मारुति की हमेशा से ये बात रही है कि इंडियन बायर्स को मारुति से बेटर कोई नहीं समझ सकता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ मार्केट लीडर। और मैं अब तक सोच रहा था कि मारुति ने नया सोचना बंद कर दिया है, मारुति आउटडेट हो रही है, सब हो रहा है, बट विद दिस उन्होंने सबको दिखा दिया है कि इट्स नॉट दैट थिंग, कि अब दे आर लिटरली मूविंग फॉरवर्ड। ये बलिनो का फेसलिफ्ट तो नहीं है, ये टोटली नई गाड़ी है। अच्छा, अगर आप एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करेंगे तो टोटली न्यू गाड़ी है ये। क्या क्या आप जैसे आप कह रहे थे चेसी में चेंजेस करें इन्होंने, ये टोटली का तो पता लगी है, टोटली न्यू गाड़ी है। जैसे मैंने डिजाइन का बताया था, डिजाइन की फिलोसफी नहीं छोड़ी कंपनी ने, लेकिन इसमें जो एक्सटीरियर है इंटीरियर है वो टोटली चेंज है। इसमें आप जैसे इंटीरियर देख पा रहे होंगे, तो इसमें ये ब्लैक एंड ब्लू आप देख रहे हैं, ये इसमें ब्लू टच है, राइट, जो इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की लुक कर दी है ये भी पहले से बहुत बेटर कर दी है, एंड जो ऑटो एसी का जो कंट्रोल्स है ये बहुत अच्छा पैनल कर दिया, पिछला वाला बहुत पुराना आउटडेटेड हो गया था। और बहुत सारे लोग, सबको अजीब लगेगा बट आई डोंट थिंक कि सबको अच्छे से ये बनाना आता है, बिकॉज कोई कोई लोग स्टाइलिश करने के चक्कर में ज्यादा ही पंगा ले लेते हैं। बिल्कुल, जैसे आई विल बी वेरी क्लियर विद माई ओपिनियन कि i20 में उन्होंने जो इतना बड़ा लेआउट बना दिया है, आपको जैसे आप गाड़ी में बैठते हो आपको एक प्रीमियम टच की बजाय आपको बहुत प्लास्टिक की टच आती है, उसमें एक ये प्रॉब्लम है। चाहे बहुत बड़ी टच स्क्रीन है सब कुछ है, बट ये वाला एरिया ओवर प्लास्टिक ही लगता है, जो कि इसमें नहीं लग रहा। इसमें ये मटेरियल अलग है, प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ये क्रोम फीलिंग अलग है, ये मैट क्रोम टाइप इसका शॉफर्ड कुछ भी बोलेंगे, ये जो है ये यहाँ पे पियानो फिनिशिंग दी गई है इसको। हाँ, मतलब दिस लुक्स गुड टू द आईज, ये नहीं लगेगा कि यार कि बड़ा ही हार्ड प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। और उसके i20 में प्रॉब्लम है, हार्ड प्लास्टिक का सरफेस एरिया इतना ज्यादा दिखता है कि आपको आंखों को वही लगता है, और ये फीलिंग बड़ी अच्छी है। इट्स इजियर टू, मतलब आपके फैन कंट्रोल बड़े आराम से मिल भी जाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल भी बड़े आराम से, इट्स लाइक आप गियर पे हाथ है तो सामने से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बड़े सारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अब मैं आपको बताऊं, मैं एंडेवर में था परसों जो मामू ने ली थी, उस एंडेवर में भी फैन के कंट्रोल ढूंढना बहुत चैलेंज, बिकॉज उनके बड़े बड़े नॉब्स वॉल्यूम के और रेडियो ट्यून करने के, अब रेडियो ट्यून करने का नॉब उतना जरूरी नहीं था, बट उसके फैन के बटन इतने सारे क्लस्टर में, छोटे छोटे फैन के बटन और टेम्परेचर के बटन है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, और वो मेरे को हाईवे पे हाई स्पीड पे ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, बट दिस इज वेरी इजी, आप यहीं से सारा क्लस्टर आराम से यूज कर सकते हो। और प्रॉपर टच भी नहीं है होंडा सिटी की तरह, पुरानी होंडा सिटी की तरह, जहां पे आपको मतलब ध्यान हटा के देखना पड़ता है, सो आप इंट्यूटिवली बहुत आराम से बिना नीचे देखे फैन
ऑटोमेटिक सॉरी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो. दिस इज अ वेरी नाइस थिंग. सो एवरीथिंग इज नाइस अबाउट देम. एक ही जो प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं कि सेफ्टी क्या, वो इतनी डिबेटेबल चीज है कि कोई कहता है वो अच्छे के लिए है, कोई कहता है बुरे के लिए है. अब इन्होंने क्या करा है उसका मेरे को आइडिया कम है, बट डेफिनेटली अब एनकैप रेटिंग में तो भेज नहीं रहे, कुछ तो करेंगे बट या वो उसका माइनस पॉइंट है तो अगर उसको थोड़ा भी उन्होंने बेटर करा. बाकी चीजों में हमेशा से बलिनो परफेक्ट थी और उन्होंने उस परफेक्ट से एक लेवल आगे ले गए इसको. बलिनो में टोटल 7 फीचर हैं सेफ्टी के, जिसको बोलते हैं नेक्सा सेफ्टी शील्ड. नेक्सा सेफ्टी शील्ड में 7 पैरामीटर्स हैं, जो कि है 6 एयरबैग्स हैं, फुल फ्रंटल इम्पैक्ट कम्प्लायंस है, ऑफसेट इम्पैक्ट कम्प्लायंस आती है इसमें. वो क्या होता है ISO 6 फुल फ्रंटल इम्पैक्ट कम्प्लायंस में ये रहता है कि अगर फ्रंट से इम्पैक्ट हो रहा है तो फ्रंट में इसमें क्रम्पल जोन्स दी हुई है तो अंदर तक इम्पैक्ट नहीं आएगा, अंदर तक इम्पैक्ट नहीं आएगा. ऑफसेट इम्पैक्ट में ये हो रहा है कि 80 की स्पीड पे अगर इम्पैक्ट हुआ है, हाफ इम्पैक्ट हुआ है तो 80 की स्पीड वाला अंदर जो आएगा वो 40 की स्पीड वाला आएगा, ताकि पैसेंजर गाड़ी में सेफ रहे. अदर फीचर है आइसोफिक चाइल्ड सीट इंक्रोचेस आती हैं इसमें. रियर सीट में एक बेबी की सीट फिक्स हो जाएगी जिसपे बेबी को बैठा के सीट बेल्ट से हम टाई कर देंगे. वो भी एक सेफ्टी फीचर आ गया. मैं समझ रहा हूं ये. ओ क्या बात है. सो दिस इज वन वेरी गुड थिंग. दिखाना है ये सेल्टॉस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेल्टॉस में आपकी सीट हाइट के हिसाब से आपका HOD सेट नहीं होती. बट मैं वही सोच रहा था कि HOD के बटन से ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही. तो इसमें आपका एंगल सेट कर सकते हो, इफ यू कैन सी. सो HOD टिल्ट कर रही है, सो आपका विजन आप चेंज कर सकते हो. एक सेकंड. और इसमें ब्राइटनेस भी है इसकी, ये देखो. सो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, पोजीशन बढ़ा सकते हो. आगे कर लेता हूँ जी. अब कैमरा में नहीं दिख सकूंगी, ये नीचे से रिफ्लेक्शन है, बट पोजीशन का तो आप आराम से देख सकते हो कैसे स्क्रीन टिल्ट कर रही है. इट्स वेरी डेलिकेट. बहुत कम कर रही है, पता नहीं लग रहा, बट ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे को सेल्टॉस में प्रॉब्लम थी कि जिस सीट हाइट पे मैं कंफर्टेबल था उसमें HOD में कुछ दिखता ही नहीं था, तो वो फीचर काम आ नहीं पाता था. सो ये अगर इन्होंने यूज भी करी है तो बहुत अच्छी से सोच के करी है. यार एक बात मैं मारुति का हमेशा फील करता हूँ यार, ये ना कस्टमर को हमेशा सोच के चीज़ बनाते हैं. और हमेशा से बलिनो मेरे को बहुत पसंद थी बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी, बट सेफ्टी का डेफिनेटली एक मन में वह मारुति का डल ही गया है. और स्पेशली मेरी गाड़ी के बाद मेरे को तो नॉर्मल गाड़ी में पसंद नहीं आ रही. बट डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट वर्सटाइल कार दैट यू कैन बाय टूडे इन द मार्केट एंड दे हैव जस्ट अप द गेम फर्दर. अब बाकी हैचबैक्स को जैज तो बेचारी हार मान के बैठी है. आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट द जैज. i20 ने बहुत तगड़ी अब गेम मारी थी, बट उन्होंने रेट भी बहुत बढ़ा दिया था. बट उसके बाद भी कुछ फीचर ऐसे थे कि पहली बार मारुति ने Hyundai को मात दे दिया फीचर्स में, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. इसका क्या हुआ था. And this is adaptive. So signing off. I hope drive में I don't think कुछ ज़्यादा बड़ी बात होगी तो मैं drive कर भी नहीं पा रहा हूँ अभी because it's fairly new, हमें उतनी permission नहीं है. But other than that, everything is just as good as the older Bellino, even in driving and little bit better than that because steering थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील से घूम रहा है और इंटीरियर थोड़े बेटर लग रहा है तो इट हैज़ अ बेटर एक्सपीरियंस. और इंजन के जो थोड़ी सी आई थिंक 5 से 2 BHP शायद बड़ी होगी बिकॉज स्विफ्ट में भी बड़ी थी, वो फ़र्क आपको इतना नोटिसेबल इतनी जल्दी नहीं फील होगा. बट एज ऑलवेज पेपी है, ईजिली पिकअप करती है, माइलेज अच्छी है, आपको नॉर्मल ड्राइविंग में 14-15-16 शहर में आराम से दे देती है. हाईवे पे आप आराम से 80-90-100 पे चलाओगे तो इसकी 19-20 तक भी आ जाती है और मैंने निकाली हुई है तो मेरे को पता. सो ओके बाय टाटा. आपका गुड नेम था क्या सर? सरबजीत सिंह. मिस्टर सरबजीत सिंह, मैं इनका नंबर भी डाल रहा हूँ नीचे, तो आपको ट्राई सिटी के आसपास या दूर अगर आप किसी टाउन वगैरह में भी रहते हो यहाँ पे आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी. आप इनको कॉल करके सारी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो. और आई थिंक कितनी देर में गाड़ी आ रही है, महीने में? बुकिंग के बाद हम नेक्स्ट 2 डेज में कस्टमर को कन्फर्म करते हैं, 2 डेज के बाद अलॉटमेंट आती है हमारे पास. आइडिया अभी क्या चल रहा है? अभी सर जो जिनकी 1 महीने से बुकिंग हुई हुई थी उनकी डिलीवरी होगी, उनको अभी सर्व करेंगे हम फर्स्ट वीक में मार्च की. ठीक है, तो यार 1 महीने की डिलीवरी डेट है, अगर सवा भी बोले तो 1 महीने में आ जाती है बिकॉज मारुति हमेशा से इसमें अच्छा था. सो सिया टाटा, बाय बाय.